नमस्कार दोस्तों, अजय मैकेनिक। मेरे दोस्त, मेरे सामने एक प्लैटिना बाइक है और इसमें सेल्फ सिस्टम लगाया गया है। और कैसे सेल्फ सिस्टम लगाया गया है वो आपको हम दिखाते हैं। देखिए, ये बाइक स्टार्ट हो गई, ठीक, बंद हो गई, ये कैसे लगाया गया, क्या है, पूरी जानकारी देंगे मेरे दोस्त। मेरे मित्र, इस प्लैटिना ओल्ड मॉडल बाइक है, इसमें हमको ECM सिस्टम लगाना है, जिससे कि यानी हम सेल्फ स्टार्ट कर सके और बिना मोटर के, ठीक है। वो सिस्टम खुद का मेरा नहीं है और हमने दूसरी जगह से यानी मंगवाया है, और मंगवा करके इसमें हमको लगाना है प्लैटिना बाइक। कैसे काम करता है, क्या करता है, पूरी जानकारी देंगे। और इसका ये पूरा किट है, पहले हम निकाल करके इसको देखा, समझा, चेक किया, सब कुछ कर लिया, फिर आपके लिए हमने सोचा कि वीडियो बनाते हैं। तो इसमें ये इसका ECM हो गया और इसकी वायरिंग हो गई, और इसके ये वायरिंग, एक इसकी वायरिंग अलग से आई है, ये वायरिंग मेरे दोस्त, और एक वायरिंग ये आई है, दूसरी वायरिंग, और उसके साथ साथ इसका मैग्नेट कॉइल ये हो गया, और ये एक स्विच हो गया इसका, और एक ये हो गया इसका हाई टेंशन कॉइल, और हाई टेंशन कॉइल हो गया, और इसका मैग्नेट, और मैग्नेट के साथ साथ इसमें कॉइल प्लेट, ठीक, और इसके साथ साथ क्लच का स्विच। तो मेरे मित्र, यानी इसका ये क्लच का स्विच, ठीक, ये सारा सिस्टम कैसे इसमें फिट करना है इसको हम दिखाते हैं, यानी कैसे फिटिंग करना है। इसके लिए हमने पूरा यानी बाइक को खोल दिया है और एक एक चीज बताते जाते हैं आपको कैसे कैसे फिटिंग करना है। इसके लिए मेरे दोस्त, यानी इसका मैग्नेट हटा लेते हैं, CDI हटा लेते हैं, और रेगुलेटर हटा लेते हैं, और हाई टेंशन कॉइल हटाते हैं, ये सारा सिस्टम हटा करके, और इसको फिर आपको ये वाला सिस्टम लगा करके तब दिखाते हैं। मेरे मित्र, इसको यहाँ पर यह आयलसील अलग आती है, इसको लगाया जाता है, आयलसील फिट कर लिया, जैसे आपको 4S एम्पियर कैलिवर और प्लैटिनम करते हैं उस तरीके से, और वायरिंग, ये दोनों चीज इस प्लेट में नहीं आता, इसमें लगाया गया, ठीक मेरे दोस्त। तो इस तरीके से ये सिस्टम इसमें लगा दिया गया, ठीक, इस वाली कॉइल प्लेट में ये सिस्टम यानी आयल सील और यानी बैरिंग लगा दी गई, ठीक। अब इसको, ये हो गया न्यू मॉडल वाला, आपको देख लीजिए, पूरा इसका वायर बहुत लंबा है और बहुत मोटा वायर है इसका, ठीक मेरे दोस्त। इसमें ओरिंग देते हैं कंपनी, आयल सील, बैरिंग और ओरिंग, ये सब अलग अलग होता है, फिटिंग करना पड़ता है, फिटिंग करते हैं इसको। मेरे मित्र, ये फिट हो गया है, और इसके साथ साथ हमको बोल्ट लगाते हैं। मेरे मित्र, वही बोल्ट जो इसको खोले जाते हैं, उसी बोल्ट को आराम से लगा दिया जाता है, और बिल्कुल बराबर से टाइट करना चाहिए, जिससे कि कहीं पर यानी अच्छे से बैठ जाए और किसी प्रकार से कोई लीकेज ना हो, इसलिए बराबर से बिल्कुल टाइट कर दिया गया। मेरे दोस्त, इसके साथ साथ न्यूट्रल वायर का तार भी लगा दिया गया, और ये फिटिंग अच्छे से यहाँ सेट हो जाता है, ठीक है। अब इसके साथ इसकी मैग्नेट की चाबी लगा दें, और मैग्नेट फिर बांध देते हैं, यानी उस मैग्नेट से थोड़ा सा हल्का होता है, इस प्रकार से, ये देखिए फिटिंग, ठीक। अब इसमें एक वाशर और इसका नट। अब मेरे में तब देखिए, एक वायर ये हो गया पिकअप कॉयल का, और एक वायर इसमें ये हो गया, एक अर्थिंग का हो गया, एक हो गया न्यूट्रल तार का, और एक चार तार का सॉकेट यहाँ पर, ये चार तार का सॉकेट, ठीक, यानी इसमें ये इतने वायर कॉइल प्लेट से निकल रहे हैं। इसको कैसे कैसे फिटिंग करना वो बताते हैं मेरे मित्र। अगर हम ECM क्या है कि अगर यहाँ पर सेट करते हैं, देखिए यहाँ पर भी सेट हो जाता है, ठीक, ऐसे आराम से सेट हो गया, ठीक। लेकिन क्या होता है, सीट लगती है तो थोड़ा वायर जो होते हैं मुड़ जाते हैं, और यहाँ पर क्या है कि कट सकता है वायर, इसलिए हमने यहाँ पर नहीं लगाना चाहा। और आप आराम से फिटिंग करके, अगर आपको अपने हाथ से, अगर आप मैकेनिक नहीं हैं और अपने आप से लगाना चाहते हैं, तो ऐसे लगा सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ कोई दफ्ती लगा देना तब लग जाएगा, इसको हम यहाँ लगा दें, ठीक। तो देखिए, यहाँ पर ऐसे लगा देते हैं तो कोई वायरिंग का कोई दिक्कत परेशानी नहीं होता, आराम से फिट हो जाएगा और सीट भी यहाँ पर बैठ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सेट किया है। इसके लिए थोड़ा सा हमको ये कट करना पड़ेगा, ग्राइंडर से हम कट कर देंगे। मेरे मित्र, देखिए, इधर तो तार छोटी पड़ रही थी, इसलिए हमने यहाँ पर इसको फिट किया, यहाँ पर थोड़ा सा कट करना पड़ा, इधर कट किया, ये नहीं सही है, लेकिन इधर कट कर दिया, अब यहाँ पर तार बिल्कुल सही आ रहा,
और इसको बिल्कुल सही कर दिया। अब हमको क्या है, इसका कनेक्शन लगाना है और ये जो पिकअप कॉइल का है इसका कनेक्शन लगाना। मेरे दोस्त देखिए, ये ऐसे फिटिंग हो गया। ठीक मेरे मित्र, इसमें क्या होता है कि ये यहाँ से बना होता है यहाँ तक। ठीक, ये बना होता है कि बैटरी इसमें सिर्फ छोटी बैटरी फिट हो, लेकिन ये हमसे पहले ही यानी इसको कट कर दिया, हमारे फिटिंग से पहले ही यहाँ पर कट किया गया था क्योंकि इसमें एलईडी बल्ब लगाया गया था। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, आरिक ब्लेड से यहाँ से ऐसे कट करना है और ये वाला सिरा कट कर देना है, जो इसका यानी एक साचा बना होता वो कट करना है उसको, यानी इस जो ये बैटरी होती है इस फिटिंग के हिसाब से आपको ऐसे बना लेना है। ठीक, आराम से बन जाएगा, कोई समस्या नहीं होता होगा। कोई समस्या होती है तो ऐसे भी लग सकती है, देखिए मेरे दोस्त ऐसे भी लग जाता है। ठीक, थोड़ा सा इसमें पैनल दिक्कत करता है लेकिन ये ऐसे लगा दिया गया। मेरे मित्र 4LV बैटरी लगाया है, 4LV बैटरी इसके लिए पर्याप्त लगा सकते हैं आराम से। ठीक है, अब ये दो कनेक्शन जो बैटरी का, ये इसका कनेक्शन होता है जो इसका, आपकी चाहे बाइक कोई सी भी हो, बॉक्सर हो, फॉरेस्ट चैंपियन हो, तो मेरे मित्र चाहे आपकी गाड़ी फॉरेस्ट चैंपियन हो, बॉक्सर हो, कैलिबर हो, ठीक, ये आप समझिए इसमें आपको दोनों तार में ये जो प्लस माइनस है ये प्लस माइनस जोड़ देना है। ठीक, ये इसका प्लस हो गया, इसका प्लस में जोड़ देना है इसको, और ये माइनस इसका इसमें जोड़, सॉकेट इधर जोड़ दिया गया, एक सॉकेट इधर जोड़ दिया गया, इसको प्लस माइनस वैसे जोड़ देते हैं। ये बैटरी कनेक्शन बिल्कुल फिट हो गया। ठीक है, अब मेरे मित्र यानी ECM का दो पॉइंट लग गया है, तीसरा पॉइंट यानी इसकी वायरिंग जो है, ये वायरिंग को फिटिंग कैसे करना है वो बताते हैं। ये वाला ये पूरा सिस्टम है, ये हो गया आगे का सिस्टम और ये हो गया पीछे का, कैसे फिटिंग करना है दिखाते हैं। मेरे मित्र जिस तरीके से वायरिंग गई उसी प्रकार से यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ से बिल्कुल फिटिंग वहां पर लगा दिया गया। ठीक, इसके साथ साथ ये वाक सॉकेट यहाँ पे जोड़ दिया जाता है। अब मेरे दोस्त क्या हो गया कि ये ECM सिस्टम इसमें फिट हो गया, यानी ECM से काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, और यहाँ पर ये वायर यहाँ पर जोड़ दिया गया। अब इसका न्यूट्रल लाइट का जो दो वायर है, एक अर्थिंग और न्यूट्रल लाइट, इसको जोड़ते हैं। मेरे दोस्त देखिए, वायरिंग से जो ये एक इस पर दो ग्रीन वायर आते हैं, एक पर लाल पट्टी। ठीक, ये इसका न्यूट्रल वायर ये वाला हो गया, इसका जो कॉइल प्लेट से निकल रहा। ठीक, यानी ये इस पर ये न्यूट्रल लाइट का वायर ये हो गया। ठीक है, इस पर न्यूट्रल लाइट देना है और यहाँ पर जो पुरानी वायरिंग है उस पर भी न्यूट्रल लाइट का वायर लगाना है। तो इसके सारे सॉकेट हटा के एक वायर लगाए जो न्यूट्रल लाइट का तार है। ठीक, और उसी वायर को हमको यहाँ पर ये और ये दोनों आपस में शॉर्ट करके यानी आपस में ऐसे जोड़ देना है, इस तरीके से ये जोड़ दिया। ठीक, अब इसके दो तार बचे, एक इसकी कॉइल प्लेट की बची और एक वायरिंग की बची, इसको दोनों को अर्थिंग लगा देना है, कहीं पर भी बॉडी अर्थ करना है तो यहाँ पर हम अर्थिंग लगा देते हैं। मेरे मित्र देखिए, एक इधर का वायर और एक जो वायरिंग है उसका वायर ग्रीन और इसका अर्थिंग का ब्लैक। ठीक, इसको हमको यहाँ पर अर्थिंग लगा देना है, यहाँ पर लगाते हैं इंजन में। तो दोस्त, इसका जो हाई टेंशन कॉइल है वो यहाँ पर हमने फिट कर दिया एक बोल्ट लगा करके, और उसके साथ साथ इसका यानी कनेक्शन सारे इस तरीके से कनेक्शन कर देते हैं। इस तरीके से यानी आप समझे इसका सारा कनेक्शन हो गया। मेरे मित्र इतने तार हैं, इसमें एक स्विच लगा हुआ ये वाला और इसमें एक रिले लगा हुआ है। इसमें क्या है, क्लच स्विच जैसे गियर पे हो तब स्टार्ट हो। ठीक, और ये वाला हो गया यानी पीली लाइट जलने को वाले, यानी जो मीटर में यानी ECM का MIL लाइट यानी माल फंक्शन लाइट। ठीक, ये मेरे मित्र, और ये तीन वायर जो होते हैं, ये वायर जाएगा हेडलाइट में और ये वाला जाएगा हेडलाइट के लिए, यानी हेडलाइट के लिए ये जाएगा, ये हेडलाइट में अर्थिंग का जाएगा, ये अर्थिंग का हो गया मेरे दोस्त। और ये जो ब्लैक कलर का तार है ये बैटरी का जो लॉक फंक्शन है लॉक में जाएगा, और ये वाला वायर जाएगा हेडलाइट जलाने के लिए उसके लिए। ठीक है, तो इसको फंक्शन कर। मेरे मित्र जो ये तीन वायर थे अलग अलग थे, बाकी सब में सारे सॉकेट लगे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तीन वायर थे, एक वायर हमने इसमें ब्राउन कलर के वायर में लगा दिया यानी लॉक में। ठीक, सफेद में नहीं लगाया, बंद कर दिया, इधर इधर रिले हो गया। ठीक, अब ये जो बल्ब है, बल्ब इसको मीटर में सेट कर देते हैं यानी माल फंक्शन लाइट के लिए पीली लाइट पर। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, हमें हाई बीम पे सेट कर देते हैं वहां पर, यानी इसको सेट कर देंगे। ठीक, अब क्या करना है कि ये जो कंपनी ने हमको दिया है ये बाहर से मंगाया गया है और ये बजाज यानी हीरो के हिसाब से दिया है, लेकिन हमको
हीरो के हिसाब से नहीं करना, इसको बजाज के हिसाब से सेट करना है। तो इधर हम यानी बजाज का जो स्विच होता है वो लगाते हैं, और इधर जो स्विच लगाते हैं वो एक सीट बाइक का लगाते हैं, एक सीटी का लगा के तब उसका फिटिंग दिखाते हैं आपको। मेरे मित्र क्या है कि इसमें जो आपका हाई बीम का तार है इसको हम, ये सब पूरा सिस्टम यही रहेगा, जो ये तार है इसी वायर को यहाँ पर सिस्टम पूरा हमने यहाँ पर ला करके यही से लगा देता हूँ। ठीक मेरे मित्र, ये स्विच हमने इधर फिट कर दिया है एक सीडी का, ठीक, और वही स्विच हमको यहाँ पर कनेक्शन करना है लाइट के लिए और सेल्फ स्टार्टर के लिए। ठीक है, तो इसके जो है ये सॉकेट जो है, ये सारे सॉकेट इसके हटा लेते हैं, और इसके हिसाब से जो इसका लाइट का सिस्टम है उसका पहले इसकी पिन को दबा रहे हैं और फिर निकल गया। ठीक, अब ये इस, ये जो सॉकेट है इसके बेस पर इसको हमने यहाँ पर इसे लगा करके इसे सेट करना है। प्लस योग पल्सर का सारा सिस्टम लगा दिया, ठीक है, तो इसको लिए अब लगा दिया। मेरे मित्र, ये जो प्लस स्विच पे स्टार्ट करने वाला सिस्टम है उसको क्या किया, यहाँ से यानी इसको हटा दिया, ये वाला का ये सिस्टम हटा दिया, और यहाँ पर सिर्फ दो तार का सॉकेट वैसे जोड़ दिया, ठीक, कि जिससे कि यानी वो काम कर सके। सिर्फ लंबा लंबा तार था और उसमें हमको ये बजाज का सिस्टम लगाया, क्योंकि वो हीरो का सिस्टम था। ठीक, अब ये गियर पे स्टार्ट होगी आपको। तो मेरे मित्र, हमको अब क्या है कि ये वाला स्विच जो चार तार का है, ये स्विच कैसे क्या कनेक्शन करना है वो दिखाते हैं आपको। तो मेरे मित्र, इसमें क्या है कि चार तार का कनेक्शन है, जिससे कि यानी एक आनाफ के लिए हो गया, एक वायर आनाफ के लिए, ठीक, एक आनाफ के लिए इससे आनाफ होता है इंजन, ठीक, और एक हो गया जिससे सेल्फ स्टार्ट होता है। ठीक है, तो सेल्फ स्टार्ट के लिए हमने प्लग का इसका तार अलग कर दिया, एक इसमें करंट आता है ये, और इसमें सेल्फ स्टार्ट ये पीले पर यानी सफेद डंडी, समझे, प्योर पीला नहीं, इसमें सफेद डंडी है, ठीक है, तो ये और ये इसके द्वारा यानी सेल्फ स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और ये इससे क्या होता है, प्योर लाल और ब्लैक, इससे क्या होता है इंजन का कनेक्शन यानी बंद और बंद चालू करने के लिए। ठीक है, तो इसको हमको ये हटाना है, क्योंकि इसमें जो बजाज की बाइक होती है उसमें क्या होता है कि इधर साइड लाइट का ऑप्शन होता है, अगर हम ये वाला लगाते हैं तो ये हीरो का रहा और लाइट का ऑप्शन तो रहेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि हीरो में तो लाइट का ऑप्शन इधर होता है, लेकिन बजाज में क्या होता है, लाइट का ऑप्शन इधर है, तो हमको इधर कनेक्शन करना था, तो इसलिए हमने कैसे कनेक्शन किया। मेरे मित्र देखिए, इसमें जो एक सीट का स्विच लिया उसमें पांच तार होते हैं, ठीक है, पांच तार, जो इसका पीला वायर होता है, पीला वायर हमने पीले वायर से जोड़ दिया, जो इसके लिए तीन वायर आया था ये वाला, ठीक, तीन वायर में इसमें जोड़ दिया। ठीक, जो इसका ब्लैक था उसको ब्राउन में लगा दिया, लॉक में यानी इग्निशन स्विच में ब्राउन में लगा दिया, यहाँ पर इस ब्राउन में लगा दिया, और जो इसका अर्थिंग था इसके हेडलाइट बल्ब में दे दिया। ठीक, पीला वायर हमने इधर पीला वायर में लगा दिया, जो इधर स्विच में जिधर यानी लाइट ऑन ऑफ होता है पीला वायर में लगा दिया। ठीक है, बाकी जो जो जैसा तार था लाल लाल में जोड़ दिया इधर, और जैसा यानी कलर का था, और इधर एक पीले पर नीली डंडी वो, और यहाँ पर देखिए सफेद पर लाल डंडी, यानी लाल पर सफेद डंडी, इसको ऐसे जोड़ दिया, जो जैसा जुड़ा था वैसा। सिर्फ एक तार जो इसमें अल्टरनेटर से था पहले, अब इसको हमको डीसी करना पड़ा, और इसके जो तीन वायर इधर से निकले थे उसमें लगा दिए। ठीक है, अब इसमें दो वायर सेल्फ के लिए बचे, तो मेरे मित्र ये जो ब्राउन कलर का वायर होता है इसमें ब्राउन में ब्लैक पट्टी है। ठीक है, तो ये हो गया इसका ब्लैक कलर का तार, ठीक, ब्राउन में ब्लैक, ये ब्राउन और ब्लैक, यानी ये दोनों ये करंट के लिए हो गया इससे, और ये जो पीले पर सफेद पट्टी है यहाँ पर, ठीक है, तो ये हो गया इसका जिससे सेल्फ स्टार्ट होता, और यहाँ पर क्या है बजाज में होता है लाल पे पीली पट्टी, लाल वायर पे पीली पट्टी, इससे सेल्फ स्टार्ट होता। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो गया। ठीक, अब हम आपको ये सेल्फ स्टार्ट सिस्टम पूरा चेक करा देते हैं। ठीक, अब इसको क्या है, ये कनेक्शन हमको हटा देना। ठीक है, अब यानी ये स्विच हमारी जरूरत तो है नहीं इसकी, क्योंकि ये हीरो की बाइक तो है नहीं बजाज की, इसको हमने हटा दिया, और ये हमने दो तार इसमें जो लाल पे काली पट्टी है और प्योर ब्लैक, इसको हमने आपस में शॉर्ट कर दिया। इस तरीके से ये रहा हो गया, और ये स्टार्ट होने लगा। ठीक, हमको क्या करना है, इसको आपस में शॉर्ट कर दिया ना, यहाँ पे देखिए एक वायर हमने डाल करके बीच में शॉर्ट कर दिया। ठीक है, एक बार देखिए ये बीच में ऐसे लगा करके इसको शॉर्ट कर दिया, कि जिससे कि आना आप यहां से ना हो, चाबी से हो, लेकिन अब ये बजाज के हिसाब से लाइट जल। अब हम आपको क्या चेक कराना है, हेडलाइट जल रही कि नहीं जल रही वो चेक करा दे, और क्लच पे स्टार्ट हो रहा कि नहीं हो रहा। ठीक है, अब मेरे मित्र क्या हुआ, इंडिकेटर भी कनेक्शन हमने कर दिया, और इसमें क्या है कि हेडलाइट आपको जला देते हैं।
देखिए मेरे दोस्त, हेडलाइट बिल्कुल जल रही, ठीक पास समझे मेरे दोस्त, इस तरीके से हेडलाइट जल गया और हमने वो आपका जो तार था उसको हमने हटा दिया है, ये सिर्फ ये लगा दिया, ठीक। इसके अब इसके वजह से अब पूरा फंक्शन यानी सारा लाइट का, अब हम आपको ये चेक करा दें गियर पे स्टार्ट हो रहे कि नहीं हो रहे, अभी यहाँ पर टेप लगा दें, ठीक है। अब गियर पे लगा के तब स्टार्ट करके चेक कराते हैं। न्यूट्रल करो मेरे दोस्त, न्यूट्रल करो पहले एक बार, देखे मेरे दोस्त न्यूट्रल, अब हम गियर लगाइए, गियर लग गया, ठीक। अब क्लच ना दबाइए, इसे छोड़िए, देखिए स्टार्ट है, भैया क्लच दबाइए, देखे मेरे दोस्त ये चल रहा और पहिया भी चल रहा, ठीक। तो यानी क्लच का सिस्टम भी बिल्कुल सही हो गया। अब मेरे हिसाब से अब आप हमें लगता है कि हमने आपको जो भी जानकारी थी पूरी विशेष जानकारी हमने इसमें दे दिया है। अब मेरे मित्र, हम चाहेंगे जब भी आपको ये सिस्टम अगर लगवाना हो तो हम इसमें क्या करेंगे, इनका जहां से ये यानी हमको मिला है उनका नंबर डाल देते हैं और आप वहां से नंबर ले करके आप बात कर सकते हैं और उसको मंगवा सकते हैं, और जैसे हमने बताया उस सिस्टम से आप लगा सकते हो, और कोई जरूरत होती तो हमें भी आप कॉल करके बात कर सकते हो। तो मेरे मित्र, मेरे पास जो भी जानकारी बताना चाहे, वीडियो पसंद आ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।